हाय गाइस, आज की वीडियो में बॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले हैं आरसी डायनासोर की। दोस्तों एक रिचार्जेबल डायनासोर आ जाता है, एक बिग टायर वाला डायनासोर, दो कलर में आप इसको मंगा सकते हैं, ग्रीन कलर में और रेड कलर में। और दोस्तों एक ड्रिफ्ट टायर वाला भी आ जाता है, ये रबड़ वाली टायर वाला मंगाया दोस्तों हमने। फटाफट से मैं बॉक्स है दोस्तों इनको निकाल लेता हूं और देखते भाई हमें बॉक्स में क्या क्या इंक्लूड मिल जाता है। दोस्तों भाई आपको इसका फर्स्ट लुक कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। तो सबसे पहले आ जाता भाई हमारा ये बिग साइज डायनासोर, जिसके अंदर भाई बहुत ज्यादा वेट मिल जाता है। और दोस्तों एक आ जाती है हमारी रिचार्जेबल चार्जिंग केबल, और एक दोस्तों आ जाती है बैटरी, और दोस्तों एक आ जाता भाई स्क्रू ड्राइवर मिली हमारी वाटर बोतल। और फटाफट से मैं दोस्तों रिमोट को निकाल लेता हूँ। नो इनक्लूड सेल दोस्तों, नो इनक्लूड सेल रिमोट कंट्रोल के बॉक्स में, बस भाई सेल ही नहीं मिलती, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमें दोस्तों इस डायनासोर के साथ मिल जाते हैं। दोस्तों इस डायनासोर की बात करूँ, डायनासोर के अंदर भाई वेट मिल जाता है पूरा 1 kg, और साइज मिल जाता है दोस्तों 35 cm, तो काफी बड़ा जाता है भाई। और टायर बहुत ही तगड़े तगड़े हैं भाई, बहुत बड़े टायर मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, जैसे ट्रैक्सिस की कार में मिलते हैं दोस्तों। तो ये टायर मिल जाते हैं दोस्तों एक रबड़ के टायर 4x4, और रेड कलर के मिल जाते हैं टायर दोस्तों। और टायर चेंजेस भी कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के बाद। तो काफी आपको कैसा लगा उसका फर्स्ट लुक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका लुक कैसा लग रहा है भाई। बिल्ड क्वालिटी बात तो काफी तगड़ी भाई, इसकी प्लास्टिक बिल्कुल बेकार प्लास्टिक दोस्तों हमें इसकी नहीं मिलती, काफी अमेजिंग मिलती है। और दोस्तों आईज में भी हमें बल्ब मिलने वाले हैं दोस्तों, इसके लाइट्स मिलने वाली हैं रेड कलर की। और फेस में भाई देखते हैं कैसी कलर की लाइट्स मिलती है, अंदर भाई स्प्रे वाला सिस्टम मिलता है हमें, वो भाई इसकी टंग भी मिलती है अंदर और टीथ भी। उसके अंदर में दोस्तों साउंड भी मिलते हैं रोर वाली, जो डायनासोर की साउंड होती है दोस्तों। स्प्रे देखते हैं इसके अंदर कहां से डलेगा, जो स्प्रे को निकालने वाला है अपने फेस से दोस्तों। और इसके अंदर टायर तो मेरे को काफी बड़े लग रहे हैं भाई, टायर बहुत ज्यादा, टायर की वजह से भाई डायनासोर के अंदर हमें 1 kg वेट मिल जाता है दोस्तों। ना तो भाई बैक लाइट्स मिलेगी आपको, ना फ्रंट हेडलाइट्स मिलती है। अंदर में बैक सस्पेंसर स्प्रिंग और फ्रंट सस्पेंसर स्प्रिंग मिल जाते हैं, हम इसको ऑफ रोड में चला के देखने वाले, मिट्टी में चला के देखने वाले, घास में देखने वाले। रिमोट रेंज और रनिंग स्पीड भाई इसकी कैसी मिलेगी, जैसे कितनी ज्यादा वेट मिल जाए इसके अंदर, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। इसकी परफॉर्मेंस आउटडोर टेस्टिंग करने वाले दोस्तों, स्प्रिंग तो काफी बढ़िया मिलते हैं भाई, सोकर 4 सोकर मिल जाते हैं। और भाई एक 4x4 डायनासोर है दोस्तों ये, और भाई बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लग रही है पूरे के पूरे डायनासोर की। और देखते हैं भाई स्प्रे कैसे कलर का मिलेगा, रेड कलर का, ब्लू कलर का, और रेड लाइट्स भाई मिलने वाली है इसमें, और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ फटाफट से, भाई इसके अंदर हम स्मोक भी डाल सकते हैं भाई, ऊपर हमें इसमें स्मोक डालने का फीचर मिल जाता है दोस्तों, ऊपर कैप मिल जाती है। आप जाते हैं दोस्तों नीचे का पार्ट, तो नीचे भाई हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, ऑन ऑफ के लिए रेड कलर का स्विच इंडिकेटर, भाई इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते ना राइट के अंदर ना लेफ्ट के अंदर। आप इसको 4 दोस्तों, ये 4x4 है और काफी हाई पावर वाला है भाई, इसके अंदर 4 मोटर मिलते हैं, 2 आगे मोटर मिल जाते हैं 2 पीछे भाई। और चलिए फटाफट से बैटरी स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये एक रिचार्जेबल बैटरी 500 mAh की, जिसे आप 2 आवर्स में फुल चार्ज करते हैं। और बैटरी बैकअप बताऊंगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में। और सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, ये आज इसकी चार्जिंग केबल, तो भाई आप इसको कुछ अटैच करके इधर आपको मोबाइल चार्ज लगा लेना है और उसका आप चार्ज कर सकते हैं 2 आवर्स के अंदर। ये आ जाती है दोस्तों एक प्लास्टिक बोतल, जिसमें हम नॉर्मल पानी डालना होगा भाई, आप कमेंट्स करते हैं फिर कैसा पानी डालना, तो भाई नॉर्मल पानी डाल सकते हैं आप, फुल बोतल हम इसके अंदर डालने वाले हैं दोस्तों अभी। और ये स्क्रू खोलने के भाई इन्होंने टूल भी दे दिया है, इसके साथ एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला रिमोट, इसकी रेंज भाई बहुत बढ़िया मिलती है, और इससे दोस्तों थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर सकते हैं हम इस डायनासोर को दोस्तों, देखते भाई थोड़ा होता है नहीं, अलग फीचर मिलता है। और ये भाई इससे स्प्रे करने वाला जो बटन में यहाँ मिलता है लेफ्ट इंटर की साइड में, स्प्रे और साउंड वाला, और इससे भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड। और चलिए देखते हैं रिमोट की क्वालिटी अच्छी दोस्तों में नहीं मिलती, रबड़ का मिल जाता है। फटाफट से दोस्तों इसके बैटरी कंपार्टमेंट को हमने ओपन कर लिया 3.7 वाट की, इसके अंदर भाई आप दूसरी बैटरी भी लगा सकते हैं अलग से भाई बाय करके। और फटाफट से भाई इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं भाई, हमने फटाफट से इसके अंदर इंस्टॉलिंग कर दी। और जैसे भाई इसकी हम स्विच ऑन करते हैं भाई, रेड लाइट्स मिल जाती है इसकी आईज में, तो रेड लाइट्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं दोस्तों, जो काफी प्यारी लग रही है भाई। और देखते हैं अंदर कैसी रेड लाइट्स मिलती है, तो फटाफट से 2 सेल भाई मैं रिमोट के अंदर भी लगा लेता हूँ। तो रिमोट के अंदर आप यूज कर सकते हैं 1.5 वाट की 2 निपोली सेल। फटाफट से दोस्तों मैं 2 सेल भाई इसके अंदर भी लगा देता हूँ, तो आई मैं बहुत एक्साइटेड इसको चलाने के लिए, आउटडोर में लेकर चलने वाले हैं। और पहले भाई उससे पहले मैं आपको यहीं पर चला के दिखाने वाला हूँ दोस्तों, फटाफट से देखते हैं भाई इसको चला के दोस्तों कैसे चलता है। तो भाई काफी हाई पावर भाई परफॉर्मेंस हमें दे रहा है दोस्तों, और भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है। तो अब देखने वाले इसको बैक में भाई पीछे कैसे चलता है, वो पीछे बहुत हाई चल जाता भाई, मेरे हाथ से बिल्कुल छूटा जा रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा हाई स्पीड हमें इसकी देखने को मिल रही है दोस्तों। आप साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी, साइड में चलाना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा आपको ये करना होगा, तो भाई साइड में चल जाता है दोस्तों कुछ टायर इसके, और भाई इसे थोड़ा सा टर्न कर लेता है दोस्तों साइड में भी, तो बाकी देखते हैं भाई आउटडोर में टर्न करता है या नहीं दोस्तों। हम लेकर आ गए वोटर टेस्ट करने के लिए इसके, फटाफट से भाई मैं ऊपर से इसका दोस्तों ये खोल लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, उसके अंदर भाई दोस्तों मैं फटाफट से स्प्रे डाल लेता हूँ और देखते हैं भाई। और ये हमने फुल कर दिया दोस्तों इसके टैंक को, तो भाई और देखते हैं इसका स्प्रे कैसे वर्क करता है भाई, लाइट्स कैसी मिलती है फटाफट से देखते हैं। पहले देखते हैं इसका स्प्रे, तो भाई ब्लू कलर का इसके अंदर में स्प्रे मिल जाता है दोस्तों, थोड़ी बार बंद हो जाता है फिर दोबारा से भाई हमें चलाना पड़ता है। तो भाई स्प्रे के लिए हमें लाइट्स में ब्लू मिल जाती है। आपको इसका स्प्रे कैसा लगा, तो भाई मेरे को तो काफी बढ़िया लग रहा है, साउंड हिसाब से स्प्रे इसका वर्क करता है दोस्तों।
देखते हैं इसको ऑफ रोड में चला के भाई, मिट्टी और थोड़ा सा भाई घास मिल जाता है इस रोड पर दोस्तों, और देखते चलिए इसको चला के इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है। ओ भाई बहुत फास्ट है भाई, आपको अच्छे से चला सकते हैं दोस्तों, घास मेरे मिट्टी में भी तो भाई घास आ जाता है थोड़ा, और ऑफ रोड में वो भाई नीचे दोस्तों पुल की तरह भाई चढ़ चुका है ऊपर भाई, काफी अच्छे से चल जाता है दोस्तों। और भाई इसको आप पुल पर भी चढ़ा सकते हैं, गहराई पर चढ़ाई पर भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों,